खबर राजधानी लखनऊ से जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन, बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। स्वतंत्र देव सिंह भी करेंगे नामांकन, दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा करेंगे पर्चा दाखिल। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगा पर्चा दाखिल। पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा भी नामांकन पत्र भरेंगे। हाल ही में अरविंद शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की है। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं अरविंद शर्मा। भाजपा विधान मंडल दल कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में 11:30 बजे प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी मैदान में है। अहमद हसन को सपा ने 5वीं बार मैदान में उतारा है। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे 88 वर्षीय अहमद हसन 4 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में वो काबीना मंत्री भी रहे हैं। वहीं राजेंद्र चौधरी भी अखिलेश यादव सरकार में एमएलसी और काबीना मंत्री रहे हैं। वो सपा के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहे हैं। यूपी की 12 विधान परिषद सीटों के लिए 28 जनवरी को वोटिंग होनी है और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जनवरी है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा विधायकों की संख्या के मद्देनजर एक एमएलसी सीट पर कब्जा जमाने के लिए करीब 32 मतों की जरूरत होगी। 309 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है और इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट प्रथम वरीयता के आधार पर बचेंगे। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल के 9 विधायकों के समर्थन से 10वीं सीट पर भी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई है। निकिता, क्या जानकारी मिल रही है नामांकन को लेकर? निकिता, आज आखिरी तारीख है नामांकन को लेकर, क्या अपडेट मिल रहा है? मेरे सहयोगी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा भी नामांकन पत्र भरेंगे। हाल ही में अरविंद शर्मा ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो वहीं पीएम मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं अरविंद शर्मा, जो कि अपना नामांकन भरेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन होगा आज और आखिरी तारीख है आज नामांकन की।